प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के सभी दर्शकों का मैं मकर ध्वज तिवारी स्वागत करता हूं। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं प्रफुल्ल पांडे जी, जो बिहार के छपरा से आते हैं। आप गायक हैं, साथ में कवि हैं, गजल एवं भजन गायकी में आपका विशेष हाथ है, मतलब मैं कह सकता हूँ विशेष कुशलता है आपकी इसमें। वर्तमान में भी आप इस समय एक गाने की रिकॉर्डिंग में ही व्यस्त हैं और वहां से हमारे लिए आपने समय निकाला है। स्वागत है प्रफुल्ल जी आपका। जी जी नमस्कार आपको और जितने सारे दर्शक हैं उन सभी का मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले ये चाहूंगा आपसे कि आप 2 मिनट में जरा दर्शकों को अपने बारे में बताइए और ये भी बताइए कि आप अभी किस गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे जिसमें से समय निकाला है आपने इनके और हमारे लिए। जी मेरा नाम प्रफुल्ल पांडे है और बेसिकली मैं छपरा बिहार से हूँ और दिल्ली में रहता हूँ। मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ और स्टेज आर्टिस्ट हूँ, साथ ही गज़ल और भजन ज़्यादातर गाता हूँ। बाकी और भी मेरे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो कि अभी रिलीज हो चुके हैं और बाकी अभी फ़िलहाल मैं एक शूटिंग में ही हूँ। मेरा एक नवरात्रि का एल्बम है जो मैया तेरी जय जयकार हो रही, बहुत ही बेहतरीन हिंदी भजन है जो कि बहुत सारे लोगों ने सराहा है। उसका ऑडियो जो है बहुत ही जल्द आने वाला है और वीडियो की शूटिंग हो रही है और इस शूट के बाद बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में प्रफुल्ल पांडे ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी को देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ मैं प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच से जुड़ा हूँ। पिछले कुछ महीनों से मैं जुड़ा हूँ और बहुत ही बढ़िया मंच है ये, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय डॉक्टर कृति काले मैम, ओम प्रकाश कल्याणे सर हैं, हरि प्रकाश सर हैं और भी बहुत सारे हैं, आप हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इससे इस मंच से जुड़े हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन मंच है और साहित्य और संस्कृति इन दोनों के लिए बहुत ही मतलब बेहतरीन कार्य कर रहा है और बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं और जान रहे हैं। साथ ही मैं कह सकता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने प्यारे मंच से जुड़ा हूँ और ये प्यार बना रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे। जी 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 प्रफुल्ल जी, ये तो हमारी भी किस्मत है कि आप जैसे लोग और साहित्य संगीत और कला के गुणी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम इस कार्यक्रम में। मैं अब आपसे एक निवेदन करूंगा कि आपने बोला कि 17 तारीख से वैसे ही नवरात्रि आने वाले हैं, आपने कहा लाइन भी एक सुनाई, तो आप जरा इसका एक मुखड़ा जरा लोगों को सुना दीजिए जिससे कि हम कार्यक्रम की शुरुआत भी करें और जगत जननी माता शक्ति विद्या और लक्ष्मी का नाम भी ले लिया जाए। जी ये बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है जिसका जिसमें जो हमारे लिरिसिस्ट हैं वो मैं, चूंकि मैं खुद लिखता भी हूँ तो मैं हूँ और मेरे एक मित्र हैं, साथ ही एक पोएटिस हैं, पोएटिस आरती बानी, उनका भी काफ़ी योगदान है हमारे साथ, और बिरजू जी हैं, हम लोग मिलके ये काम कर रहे हैं, इस टीम में हम सभी जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे टीम में और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे चितरंजन जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, हम सभी मिलकर एक टीम वर्क कर रहे हैं। तो ये गाना जो है ऑडियो तो खैर आप सभी के बीच में है, वीडियो की शूटिंग के बाद ये आ जाएगा और जैसा आपने कहा तो मैं ज़रूर 2 लाइन सुनाऊंगा। काफ़ी बेहतरीन हिंदी भजन है ये, उसका मैं 2 लाइन सुना दे रहा हूँ। स्वर्ग से आई है मेरी माँ, खिला खिला सा लगे समा। स्वर्ग से आई है मेरी माँ, खिला खिला सा लगे समा। धुन भक्ति की सवार हो रही मैया, तेरी जय जयकार हो रही मैया, तेरी जय जयकार हो रही। वाह बहुत सुंदर, काफी काफी सुंदर भजन है ये, शब्द भी मुझे बहुत सुंदर लगे आपके ये, और आशा करते हैं कि मार्केट में आने के बाद ये चले दौड़े, मैं तो कहूँ सरपट भागे और काफी प्रसिद्ध हो। आगे प्रफुल्ल जी, जी जी बिल्कुल, माता रानी की कृपा और सभी दर्शकों और सभी बड़ों का आशीर्वाद रहा तो जरूर सफल होगा। आगे मैं ये जानना चाहता हूँ कि छपरा से दिल्ली तक का सफर और गायकी की तरफ जाने का रुझान कैसे हुआ आपका?
जी एक्चुअली गायकी से रुझान की बात करें तो मैं ये मानता हूँ कि जो कलाकार होते हैं वो कलाकार एक्चुअली पैदा होते हैं। कलाकार जो है कोई बनता नहीं है, कलाकार जो है वो पैदाइशी कलाकार होते हैं। प्रतिभा और इनबिल्ट होती कुछ चीज़ें जी प्रतिभा इनबिल्ट होती है। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम प्रयास करके उसे हासिल कर सकते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कुदरती देन होती है, जो ऊपर जो ईश्वर हैं उनका एक आशीर्वाद होता है। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो ये प्रतिभा मुझे जेनेटिक जो है मिल गया। मेरी दादी माँ जो थी वो रेडियो स्टेशन में गायिका थी, वहाँ से मुझे मिला। लेकिन मैं स्ट्रगल करता रहा और साथ ही साथ मैं बाकी स्टेज शोज वगैरह भी करता। बचपन से गाने का काफ़ी शौक रहा पर मैं बिना सीखे गाता था। लेकिन जब मैं कुछ अच्छा ऑडिशंस वगैरह जब ऑडिशंस वगैरह क्वालिफाई किए तो मुझे ऐसा एहसास हुआ, और जब मैं कुछ गुरुजनों के बीच में गया तो मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ कि मैं जो गा रहा हूँ कहीं ना कहीं कुछ कमी है, इसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा। फिर मैंने सीखना शुरू किया और मैं बंगिया संगीत परिषद जो कि रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी है, उसके बाद प्रयाग जो हमारा है काफ़ी नामचीन है ये प्रसिद्ध है प्रयाग ये संगीत समिति जी, बहुत प्रसिद्ध है। तो मैं बहुत वहाँ पुरानी से है। जो है मैंने जी बहुत पुरानी जो है संस्था है वहाँ से मैं जुड़ा हूँ। और मैंने संगीत से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, संगीत विभाकर किया, और उसके बाद अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। उसके बाद दिल्ली तक का जो सफ़र है, इसके पहले मैंने और भी बहुत सारे जैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह की जो मैंने तैयारी वगैरह करी, सिलेक्शंस वगैरह भी हुए। पर सर एक्चुअली मैं बताऊं, संगीत एक ऐसी चीज़ है जो उसके अलावा दुनिया की सारी चीज़ें फीकी हैं। तो मुझे बिल्कुल संगीत का एक ऐसा जुनून था मेरे अंदर कि मेरा कहीं भी मन नहीं लगा, और मैं संगीत को अपना इसीलिए अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया। जी इसीलिए कहा गया हमारे यहाँ कि साहित्य संगीत पुष्प विषाण ही ना, जी जी मतलब जी कि साहित्य संगीत और कला के विहीन जो व्यक्ति होता है वो एक पशु के समान है जिसकी पूंछ भी ना हो और सींग भी ना हो। जी 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 बिल्कुल, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुष्प पशु विषाण पुष्प हीन। विषाण ही ना। बिल्कुल, तो साहित्य संगीत और कला से विहीन जो है वो मनुष्य जो है। और एक और उसमें एक लाइन आता है कि मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, यानी वो मनुष्य के रूप में जानवर की भांति जो है वो विचरण करते हैं, ऐसा मनुष्य पूछ रहित जो है। तो ये बात बिल्कुल सही है, सटीक है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया और मैं तब से इसी फील्ड में हूं। और बस बाकी सभी गुरुजनों का, बड़ों का आशीर्वाद है, माता रानी की कृपा है, और तब से मैं इसी फील्ड में हूं और इसी फील्ड में मैं अपने आप को आगे बढ़ा रहा हूं और स्ट्रगल कर रहा हूं, सीख रहा हूं। सीखना बहुत ज़रूरी है, आदमी हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है। तो मैं इसी फील्ड में हूँ अब। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि आप उत्तरोत्तर प्रगति करें इसमें। अच्छा प्रफुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आते तो हम भोजपुरी क्षेत्र से हैं, तो भोजपुरी में कुछ गाया है आपने या फिर आगे कुछ करने का इरादा है भोजपुरी के लिए? सर मेरे बहुत सारे ऐसे गाने हैं, भक्ति गाने हैं, देशभक्ति गाने हैं, कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, कुछ भजन हैं जो कि भोजपुरी में भी है, और मैं भोजपुरी गाता भी हूँ, भोजपुरी लिखता भी हूँ। तो मेरे भोजपुरी भी बहुत सारे गाने हैं जो कि पिछले साल 2019 में मेरा एक एल्बम रिलीज हुआ था। 2018 में भी एक एल्बम आया था, तो 2018 में भी, 19 में भी, और इस बार 20 में आपके सामने है। तो 18 और 19 में जो भी एल्बम मेरी आई थी उसमें भोजपुरी गाने हैं, एक एक या दो हिंदी गाने भी हैं, बाकी उसमें भोजपुरी गाने भी हैं, माता रानी के विदाई के भी गीत हैं उसमें। तो और इस बार एक भोजपुरी भी इस बार मैं गा रहा हूँ, और वो गाना बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है, और हिंदी जो है वो आप सभी के बीच में है। तो भोजपुरी भी बहुत सारे गाने हैं मेरे। तो फिर कोनो एक तो भोजपुरी गाना सुना दिया जाए लोगन के। बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य बा अगर हम भोजपुरी गाना सुनाई माता रानी के भोजपुरी में, तो ऐसे बढ़ के कुछ नहीं है। तो हो जाएगा मैया का नाम लेके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैया खातिर तो पिछला साल जो हमारा एल्बम आई रहे ओकर बहुत ही बढ़िया है वो गाना बा, देखते देखते राह थक गई ले अखिया, अबहू न माई तोहर पसी जल छतिया, रातो दिन करी ले गोहार हो,
कब होई दारस नैना गईले तारस, कब होई दारस नैना गईले तारस, दुखियारी करे ले पुकार हो हे माई, सुनल तू अर्जी एक बार हो। जी ऐसा कुछ था बहुत ही, और भी उसमें बहुत सारे गाने हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन गाने हैं, बहुत सुंदर लगा एकदम, जैसे कि झंझनाहट होने लगी सुनने के बाद में इसको, काफी भाव थे, जो भाव है ना, भाव भाव हमें स्वरों के माध्यम से महसूस हुआ। अच्छा प्रफुल्ल जी, वैसे समय की आज कमी है हमारे साथ, नहीं तो मैं तो लंबा बैठता। अंत जी, जी, में जी। ये मेरा एक आखिरी अनुरोध समझ लीजिए, आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है गजल, जिसको जब प्रफुल्ल खाली बैठते हैं तो स्वयं को प्रफुल्ल करने के लिए सुनना चाहते हैं, वो वाली गजल हो सके तो हमारे दर्शकों को सुनाइए, जो आपके दिल के सबसे करीब। एक बहुत ही बेहतरीन गजल है गुलाम अली साहब का जी, चमकते चांद को, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी, आपने हमारी शाम को सुंदर किया, इसके लिए आपका आभार है, आप हमसे जुड़े इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और बहुत बहुत अगली बार थोड़ा थोड़ा समय निकालिएगा जिससे कि आनंद की भी वृद्धि हो आपके लिए और हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये वाकई मेरे लिए भी बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे इतने बड़े मंच से और आप लोग जैसे बड़े लोगों के साथ मेरा एक वार्तालाप करने का मौका मिला और साथ में जुड़ने का मौका मिला है। वाकई ये बात सच है कि समय की पाबंदी है, अभी मैं जुड़ा हूँ और सेट पे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और तैयार हैं, सेट वगैरह तैयार है, सब कुछ तैयार है, और चूंकि ये मंच ही इतना प्यारा है कि किसी को भी ये अपने तरफ खींच ले, इसलिए मैंने बोला कि मैं ज़रूर टाइम निकालूंगा और टाइम निकाल कर मैं अपने मंच पे हूँ और आप सभी के साथ हूँ, सभी दर्शकों के साथ हूँ, मैं ज़रूर टाइम निकालूंगा, मैं अगली बार ज़रूर आऊँगा और बहुत लंबी बातचीत होगी और बहुत सारे गाने सुनाऊँगा, ये मैं वादा करता हूँ आप सभी से, और इफ़ पॉसिबल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ सुनाऊँगा मैं, हारमोनियम के साथ मैं आऊँगा, तबले के साथ आऊँगा, और बहुत सारी मस्ती होगी, बहुत सारे गीतों से मैं आप लोगों का मनोरंजन कराऊँगा, पर अभी मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि समय बहुत ही कम है और मैं काफ़ी जल्दबाजी में हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर ज़रूर आऊँगा मैं अगली बार, बिल्कुल मैं वादा करता हूँ। आभार है आपका प्रफुल्ल जी, धन्यवाद, नमस्कार, और दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जय माता दी, जय माता दी।